पूज्य भिक धर्मराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झांसी और इच्छा से चलकर यहाँ आए हैं परम पूज्य भंते कुमार कश्यप जी और अध्यक्षता कर रहे सारनाथ से पधारे हुए परम पूज्य भिक्खु अशोक मित्र जी, बनारस से ही हमारे यहाँ बीच पधारे हुए बुद्ध ज्योति जी और आगरा से पधारे हुए पूज्य मंत्र करुणा सिंह राहुल जी, सोनभद्र से पधारे हुए पूज्य भिक्ख सुगतानंद जी, भिक्षु संघ के चरणों में वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भंते जी की परिनिर्वाण हुए 4 वर्ष पूर्ण हुए, यह बुद्ध विहार पूज्य भंते जी के इच्छा के अनुसार यहां निर्मित हुआ था और उनकी यह सोच हुई कि भगवान बुद्ध का धम्म इस दुनिया को मार्ग दिखा रहा है, हमारे देश में पैदा हुआ धम दुनिया के लिए मिसाल बना है, परंतु अपने देश में ही एकदम से विलोपित होता जा रहा है। उसके लिए परम पूज्य महाकवि विनीत विक्रम जी के मार्गदर्शन के और इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म का बीजारोपण करने वाले सम्मानी गुरु प्रसाद मदन जी के मार्गदर्शन में इसका निर्माण हुआ था। क्योंकि इस पृष्ठभूमि के पीछे उनकी मंशा के अनुसार और उनके हिसाब से उनका स्वास्थ्य लाभ नहीं किया और फिर उस बीच उनका परिनिर्वाण हो गया, तो यह दायित्व हम लोगों ने अपने उसमें प्रयास एक प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। हम तीनों भाई, मैं वीरभद्र, मझले भाई पंकज सिंह और छोटा भाई पवन प्रताप सिंह और छोटे भाई पूर्व सांसद माननीय देवराज सिंह और हमारे पूरे परिवार, बच्चों और इष्ट मित्रों का अनवरत सहयोग मिल रहा है, तो हम लोगों का भी थोड़ी
मनोबल बढ़ता है और हम लोग भी सोचते हैं कि इसलिए अपना प्रयास जारी रखें। आज ये साल का मंच पूर्ण रूप से आपसी चर्चा के निर्णय हुआ कि भिक्षु संघ को ही समर्पित किया जाए और भिक्षु संघ से मेरी करवट प्रार्थना है कि इस धारा में जहां पैदा हुआ इसको कैसे बुद्धमय किया जा सकता है, उसमें यदि प्रकाश केंद्रित होगा तो हम सब और गौरवान्वित होंगे। इन्हीं के साथ मैं एक बार अपने भिक्षु संघ को वंदन अभिनंदन, आए हुए अपने मार्गदर्शक और सभी बुद्धिजीवियों का, खासतौर से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर राजेंद्र पटेल जी भी पहुंच चुके हैं, प्रोफेसर एमपी पटेल जी भी पधार चुके हैं, हमारे पिताजी भंते जी के सहयोगी रहे माननीय आनंद बौद्ध जी और यहाँ सभी उनके सहयोगी रहे हमारे सम्माननीय बंधुओं और मास्टर साहब बुद्धसेन पटेल जी, आए हुए सभी आगंतुक सम्माननीय बंधुओं, बच्चों, देवियों और माताएं बहने सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं यह माइक पुनः संचालक